हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय। तो इस सीरीज में आपका स्वागत है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 का जो री एग्जाम हुआ है उसके बारे में। उससे पहले हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही हम मैथमेटिक्स के भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ सवाल जो थे वो बीच बीच में है जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर और साइंस के थे, तो वो हमने GS में डिस्कस नहीं करे क्योंकि हमें बाद में देखा कि ये बीच बीच में सवाल है। तो इस बार डिस्कस करेंगे साइंस और कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर और साइंस को शुरू करने से पहले, तो आप मैथ्स और GS की हम पहली अपलोड कर चुके हैं, उसको अपने आंसर मिला लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो दो चीज़ें मैं आपको हमेशा कहता हूँ, वो है पहले सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जैसे ही नया वीडियो आता है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही इसको शेयर कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है ऐसे वीडियोज़ लाने में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है 21st क्वेश्चन सीरीज बी की मैं बात कर रहा हूँ, 21st जो सवाल है वो है द डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व होता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए इसने डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में। ये बोलता है कि मिनिमम एट -4, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर या मिनिमम होता है 0 डिग्री पर। तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वो है मैक्सिमम होता है एट 4 डिग्री। ठीक है, 21st का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। उसके बाद जो दूसरा सवाल है, यानी कि साइंस सेक्शन का दूसरा, यानी कि 22nd, ह्यूमन स्किन क्या है? एक ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम है? तो आपको एक बात याद रखनी होगी, स्किन जो है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए आंसर यहां पर जो है दैट इज ए, जो सवाल है 22 का ऑप्शन ए, ऑर्गन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 23rd, इन इंडिया अ न्यूबॉर्न बेबी इज वैक्सीनेटेड विद विच वैक्सीन? हालांकि पोलियो भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे ही जन्म होता है हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, यानी कि वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई थिंक इट इज करेक्ट आंसर हेपेटाइटिस बी, तो आंसर इज बी। उसके बाद 24th जो सवाल है, व्हाई इट इज ईजी टू कुक फूड इन अ प्रेशर कुकर? एक प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों होता है? तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा इसको सोचें सवाल को, तो बहुत बार ऐसा होता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट कुछ दालों का बहुत ज्यादा 115 होता है, वाटर बॉइल करता है 100 डिग्री पर, तो 115 तक वो कभी पहुंचता नहीं क्योंकि उससे पहले तो स्टीम बन जाता है। तो ये प्रेशर कुकर क्या करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट को ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट को ही 120 कर दिया जाए तो 115 वाली दाल आराम से पक जाएगी। तो ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहां पर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। उसके बाद 25th क्वेश्चन 6 हम मैथ्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिए अपने जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया। उसके बाद 29th सवाल की तरफ आता है, कंप्यूटर का जो सवाल है, कंप्यूटर का सवाल कहता है कि सॉफ्टवेयर सच एज एक्सप्लोरर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सप्लोरर है या फायरफॉक्स, इनको क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, जैसे विंडोज हो सकता है या लिनक्स हो सकता है या कोई भी आप इस तरह का सिस्टम यूज करें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। ब्राउजर है या इंटरनेट टूल है? तो द करेक्ट आंसर इज ब्राउजर, हम इससे क्या करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग। द करेक्ट आंसर इज सी, ब्राउजर है। उसके बाद 30वां सवाल, ड्यूरिंग डाइविंग द गैस यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट? तो जब डाइविंग करते हैं गोताखोर क्या करते हैं, श्वसन के लिए जो गैस करते हैं उसमें एक तो ऑक्सीजन होती है, दूसरी जो गैस होती है वो क्या होती है? सो द करेक्ट आंसर इज द हीलियम, हीलियम को साथ लेकर चलते हैं जो उनको सांस लेने में मदद करती है। उसके बाद 31st, अगेन कंप्यूटर का सवाल है, जंक ईमेल क्या है? जंक ईमेल इज कॉल्ड स्नाइफर स्क्रिप्ट है, स्पूल है, स्पूफ है या स्पैम है? तो जंक जो ईमेल होते हैं उनको अक्सर कहा जाता है दे आर कॉल्ड स्पैम्स। करेक्ट आंसर इज बी, मार्क कर लीजिए इसको। 32nd, संकल्प प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, किससे, किसको एलिमिनेट करने के रिलेटेड है? तो संकल्प प्रोजेक्ट है वो HIV और AIDS को एलिमिनेट करने के लिए लाया गया था। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम हिंदी को डिस्कस करेंगे और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए इसको और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिस किसी ने भी एग्जाम दिया है उसके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हिम्मत बढ़ाइए उस लाइक बटन का दबाकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।